हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याधर एनडी जी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का अर्थ क्रस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो संरचना है, तो आइए आपको हम आज बतलाते हैं कि हमारी पृथ्वी की संरचना में जो पृथ्वी की भू परपट्टी है से लेकर के अंतर्गर्भ तक अर्थ क्रस्ट में क्या क्या चीज कैसे कैसे इसका कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या हुआ कि जब पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से मिनरल्स हैं, क्या एसिड है, बेस है, कितना घनत्व है, जब ये पता लगाने की बारी आई तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वेस नाम था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को ट्रायंगुलर शेप में पृथ्वी का एक पता किया। जैसे कि देखिए, आप कहीं भी एक पृथ्वी मान लीजिए गोल है, आप गोल में आप ऐसे करके कुछ अगर आप निकालेंगे तो ये बेस तक तो चला गया ना, ये बेस तक चला गया। जैसे आप मार्केट से में अगर आप तरबूज लाने के लिए जाते हैं तो तरबूज को कैसे काटता है, एक ट्रायंगुलर शेप में काट के बेस तक आपको निकाल के दिखा देता है कि लाल है या नहीं है। वैसे ही पृथ्वी का वो मतलब एक ट्रायंगुलर शेप में वो अंदर तक पता लगाकर उसको एक डायग्राम के माध्यम से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। उनका नाम स्वेस था। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी का तीन लेयर होता है, ठीक है। उन्होंने बताया तीन लेयर होता है। पहले अपर वाले लेयर को कहते हैं सियाल, और मिडिल लेयर को कहते हैं सीमा, और थर्ड लेयर को कहते हैं नीफे, ठीक है। अब सियाल और सीमा और नीफे नाम क्यों दिया उन्होंने, वो इसलिए दिया क्योंकि सियाल का मतलब हुआ सिलिकन और एल्यूमिनियम, यानी पृथ्वी का जो पहला लेयर है इसमें सिलिकन और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज्यादा है, या सिलिकन और एल्यूमिनियम की मात्रा है इसमें। दूसरा है सीमा, सीमा का मतलब हुआ सिलिकन और मैग्नीशियम की मात्रा। तीसरा है निफे, यानी निकल और फेरस की मात्रा, फेरस मतलब आयरन। आप देख सकते हैं कि धरती के सेंटर में, धरती के अंत में आयरन की मात्रा होने के नाते ही जो चुंबकीय प्रॉपर्टी का काम होता है, ठीक है, इसके तहत कोई भी चीज धरती पर अट्रैक्ट होती है क्योंकि फेरस है अंदर, सबसे अंदर में। उन्होंने ये बताया कि सबसे पहला जो है वो सियाल है, बीच वाला जो है वो सीमा है, तीसरा वाला जो है वो निफे, ठीक है। ये भी बताया कि जो सियाल है ये पूरी तरह से एसिडिक है, यानी कि अगर आप मिट्टी को टेस्ट करें, जीप पे चख के, तब तो एसिडिक लगेगा। सीमा जो है ये बेस है, और निफे जो है निकेल और फेरस जो ये लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि सियाल का, सीमा का, निफे का, सियाल जो है वो एसिड है, सीमा जो है वो बेस है, और निफे जो है वो लिक्विड है, ठीक है। सियाल का जो घनत्व है, यानी कि वॉल्यूम जो है इसका, ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सियाल पृथ्वी के अपर लेयर का वॉल्यूम कितना है, तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरा जो है सीमा जो है इसका वॉल्यूम है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सबसे बड़ा जो है वो है निफे, यानी सबसे अंतिम वाला, इसका वॉल्यूम है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पृथ्वी का जब वॉल्यूम निकालेंगे आप, तो आप इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि 2.5 प्लस 4 प्लस 11 बटे में 3, तो ये आएगा 5.5, यही पृथ्वी का घनत्व। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पृथ्वी का वॉल्यूम कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम है, तो कहां से निकला, सियाल और सीमा और नीफे का जोड़ के। लेकिन इनका ये कॉन्सेप्ट जो था कि सियाल है, सीमा है, नीफे है, ये कुछ हद तक सही था, पूरी तरह से ये सही नहीं था। और इनके इस कॉन्सेप्ट को इनके बाद जो वैज्ञानिक आए जिनका नाम एडवर्ड था, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इनका कुछ कॉन्सेप्ट तो एज इट इज रह गया, जैसे कि 2.5 है, 4 ग्राम है, 11 है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि एसिड है, बेस है, लिक्विड है, या फिर सियाल सीमा नीफे के अलावा और भी कुछ नाम हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट को इसके बाद जितने वैज्ञानिक आए उन्होंने चेंज किया। तो आप देख सकते हैं कि स्वेस वैज्ञानिक ने सियाल सीमा नीफे का कॉन्सेप्ट दिया, इसके बाद जो वैज्ञानिक आए, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं कैसे किया उन्होंने। तो जैसा कि आपने देखा कि स्वेस का सिद्धांत क्या था, सियाल सीमा और नीफे, और उन्होंने बताया था कि अपर जो लेयर है उसका जो वॉल्यूम है, यानी घनत्व जो है वो 2.5 है, बीच वाले का 4 है, और अंतिम वाले का 11 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये अर्थ का घनत्व है, पृथ्वी का वॉल्यूम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये मार के आइएगा,
5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इनके सिद्धांत में, इनके थ्योरी में कुछ कमी थी, इसीलिए इनके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था एडवर्ड। एडवर्ड ने कहा कि नहीं, इसका जो नाम है वो सियाल सीमा नीफे नहीं रहेगा, ये तो इसके अंदर जो मेटल या मिनरल जो हमें मिल रहे हैं वो उसका नाम है, इसका नाम कुछ और रहेगा। तो उन्होंने इसका नाम रखा क्रस्ट, धरती का जो सबसे ऊपर लेयर का नाम रखा क्रस्ट, बीच वाले का रखा गया मेंटल, ठीक है, और सबसे अंतिम वाले का कोर। कोर जैसा कि मतलब कि एकदम कोर में है, आपने सुना भी होगा कि कोर एरिया है, किसी फॉरेस्ट में सुनते होंगे, मतलब सबसे अंदर वाला एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया उन्होंने, ये बताया कि इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सेदारी है, मतलब धरती का जो तीन पार्ट उन्होंने किया, तो सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो मेंटल की है। मतलब अगर इसको आप परसेंटेज वाइज बांटिएगा कि इसकी फोन कितना बड़ा है, सबसे बड़ा मेंटल है, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा कोर है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ा मेंटल, आप देख भी सकते हैं फिगर में, सबसे बड़ा मेंटल है। मेंटल जो है पृथ्वी का 83% कवर करता है। आपको छोटे से छोटा क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। मेंटल जो है वो आपका 83% कवर करता है, ठीक है। कोर जो है आपका 16% कवर करता है, तो 83 और 16 कितना हुआ, 99, 99% हो गया। 1% सिर्फ क्रस्ट आपका काम करता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम लोग जो रहते हैं, मनुष्य जो रहते हैं, या पृथ्वी पे जो भी जीवन चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, तो वो क्रस्ट में चल रहा है, यहाँ पे क्रस्ट के ऊपर है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, या मतलब यहाँ पे पेड़ पौधा से लेकर जितना चीज, बिल्डिंग मकान, इंसान, जानवर, जंगल, सब कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्रस्ट के ऊपर है। समुन्दर कहाँ पे है, तो समुन्दर यहाँ पे, ठीक है, क्रस्ट में ही थोड़ा सा यहाँ पे, या यहाँ पे समुन्दर है। मतलब क्रस्ट में आप कह सकते हैं कि मेंटल में ना समुद्र है ना कुछ है, ठीक है। ज्वालामुखी भले ही यहाँ पे होगा, ज्वालामुखी का यहाँ पे असर है। अब क्या किया इन्होंने, एक चीज और बताया कि क्रस्ट और मेंटल के बीच का डिवीजन बताया इन्होंने। स्वेस ने क्रस्ट और मेंटल के बीच का डिवीजन नहीं बताया था, पर एडवर्ड ने ये बोला कि यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, मोहो करके एक साइंटिस्ट आया। देखिए पहली थ्योरी जो मैंने बताई थी उसमें सिर्फ एक ही साइंटिस्ट है स्वेस, दूसरी थ्योरी में यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इसलिए इस थ्योरी को किसी का नाम नहीं दिया गया है। पहली थ्योरी को स्वेस थ्योरी का नाम दिया गया था। तो ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम था मोहो ने यह बताया कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक रेखा है जो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करती है। देख सकते हैं ये जो लाइन है ना ब्लैक वाला, ये क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड कर रहा है। तो चूंकि मोहो ने यह थ्योरी दी इसलिए इसको हम मोहो रेखा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन कहते हैं, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने कहा कि मेंटल और कोर के बीच में भी एक रेखा है, ठीक है, तो इस रेखा को हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, या फिर गुटेनबर्ग रेखा कहते हैं, आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर इंग्लिश हिंदी दोनों में गुटेनबर्ग ही लिखाएगा, अब मोहे ही लिखाएगा। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है गम, ठीक है, गम मतलब दुख, आप ऐसे याद कर सकते हैं गम मतलब हो गया गौ से, हो गया नीचे से याद कीजिएगा गुटेनबर्ग, और मौ से हो गया मोह, गम, ठीक है। तो गौ से गुटेनबर्ग और मौ से मोह। गुटेनबर्ग ने कहा कि मेंटल और कोर के बीच में एक रेखा है, और मोह ने कहा कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक रेखा है, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन इसके बाद तीन साइंटिस्ट और आए जिन्होंने एक थ्योरी को और चेंज किया। उन्होंने कहा कि क्रस्ट को भी दो पार्ट में बांटा गया, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मेंटल को भी दो पार्ट में बांटा गया, अपर मेंटल लोअर मेंटल, और कोर को भी दो पार्ट में बांटा गया, अपर कोर और लोअर कोर। तो जिस साइंटिस्ट ने क्रस्ट को दो पार्ट में बांटा उस साइंटिस्ट का नाम था कोनोराड, यानी कि आप कह सकते हैं मोहो रेखा और क्रस्ट का जो अपर रेखा के बीच में एक रेखा आया जिसने क्रस्ट को दो पार्टें बांट दिया। मोहो रेखा ने तो मेंटल और क्रस्ट को बांटा था, गुटेनबर्ग ने कोर और मेंटल को बांटा था, लेकिन क्रस्ट को ही आपस में दो पार्ट में बांट देना, क्रस्ट को ही आपस में दो पार्टें बांट देना, ये कोनोराड ने किया, कोनोराड ने। फिर मेंटल को भी आपस में दो पार्ट में बांट देना, ये रेपेटी ने किया, इस साइंटिस्ट का नाम था रेपेटी। फिर तीसरा है कोर को भी आपस में दो पार्ट में बांट दिया गया, तो ये लेहमैन ने किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5-6 साइंटिस्ट हो गए। पहला तो एडवर्ड ने थ्योरी दिया क्रस्ट मेंटल कोर का, फिर इन्होंने बताया कि 1% है आपका क्रस्ट, 83% है मेंटल,
और फिर 4 है 16% है, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि जो वॉल्यूम था दिया था स्वेस ने वो बिल्कुल ठीक था, एसिड बेस का उन्होंने परसेप्शन को चेंज किया, ये मतलब पूरी तरह से एसिडिक नहीं है, कुछ बेसिक भी है, इसमें ज्वालामुखी का अंश है, ठीक है, ये उन्होंने बताया। अब इसके बाद 5 साइंटिस्ट और आए, सबसे पहले मोहो आए, मोहो ने कहा कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में रेखा होगा जिसको कि मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन कहा जाएगा। फिर गुटेनबर्ग ने कहा कि मेंटल और कोर के बीच में एक रेखा होगा जिसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन कहा जाएगा। फिर 3 साइंटिस्ट और आए, उन्होंने कहा कि क्रस्ट को भी 2 पार्ट में बांट दो, मेंटल को भी 2 पार्ट में बांट दो, कोर को भी 2 पार्ट में बांट दो। क्रस्ट को 2 पार्ट में कोनोराड ने बांटा और वेपेटी ने मेंटल को बांटा और लेमन ने कोर को बांटा। तो देखिए याद करने का ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक ये है कि गम मतलब गुटेनबर्ग और मोहो ने क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग बांटा, और क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर में भी जो डिवीजन हुआ वो कोनोराड रेपेटी और लेमन ने बांटा। इसका ट्रिक है कर ले किसी काम को, कर ले कोनोराड रेपेटी लेमन कर ले, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा अर्थ क्रस्ट में यही। अब आप पूछेंगे कि अर्थ क्रस्ट का ऐसा ही डायग्राम हर जगह क्यों मिलता है, ट्रायंगुलर शेप में ही डायग्राम हर जगह क्यों मिलता है, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप कभी भी मार्केट में तरबूज खरीदने के लिए गए होंगे या खरबूजा खरीदने के लिए गए होंगे तो वो कहीं ऐसे काट के नहीं दिखाता है आपको, आपको साइड से ट्रायंगुलर शेप में, मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर है, देखिए यहीं से काट के ये बता दिया गया क्या है, आखिर यहां से जो काटिएगा वही मिलेगा, यहां से भी काटिएगा वही मिलेगा, यहां से भी काटिएगा वही मिलेगा, ठीक है। तो हम एक पूरा ले लेते हैं, यही आपका हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर, समझ में आपको आया, जैसे मार्केट में तरबूज खरीदते हैं वैसे, ठीक है। तो ये था अर्थ का लेयर के बारे में, तो कि आप सियाल सीमा नीफे कहिए, क्रस्ट मेंटल कोर कहिए, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद करने वाला है, साइंटिस्ट का नाम पूछ दिया क्वेश्चन कि किस साइंटिस्ट ने क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग किया था, तो मोहो ने किया था। किस साइंटिस्ट ने मेंटल और कोर को अलग अलग किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। किस साइंटिस्ट ने अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में किया था, तो रेपेटी ने किया था। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम ज्योग्राफी का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, तब तक के लिए आप देखते रहिए विद्याधारी डीजी।